सरोकार। खंड स्तरीय सचिवालय का औचक निरीक्षण, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया औचक निरीक्षण। निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद रहे मौजूद। मेट्रो स्टेशन पर मचो हड़कंप, युवक के पास से चार जिंदा कारतूस बरामद, सीआईएसएफ ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चरस तस्करी करने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। स्टंट करते हुए युवक का वीडियो वायरल, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा युवक। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, तो वहीं रायबरेली पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुष्पमाला भेंट करते हुए पार्टी के मुखिया का जोरदार स्वागत किया है। वहीं स्वागत समारोह के बाद सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्य सचेतक विधानसभा और उचहार विधानसभा विधायक डॉक्टर मनोज पांडे की सराहना करते हुए एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। वहां पर भी उन्होंने विपक्षी को आड़े हाथों लिया और विपक्षियों यानी कि भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस डबल इंजन की सरकार पर जमकर बरसने का काम विधानसभा में करती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि इस समय से चार व्यक्ति ही रोजगार है। समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देगी। माननीय जी, अगर आपकी सरकार आती है तो आप आरक्षण बढ़ाएंगे क्या? हमने आपसे कहा कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आबादी के हिसाब से किसी को नहीं सम्मान देना चाहती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ पहुंचे, जहाँ डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज के पुष्प पुरुष विंग में नवनिर्मित 200 बेड के चार मंजिला भवन का लोकार्पण किया है और कस्तूरबा विद्यालय माधानता का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों से रूबरू हुए और प्रयागराज के नैनी जेल में 15 चाकू और लाइटर मिलने के सवाल पर कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में जो जेलें चारागाह के रूप में काम करती थी, उनकी सघन तलाशी करवाकर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम लगातार किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जनपद में सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। अभी मेडिकल कॉलेज परिसर में नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और जहां तक जेलों का सवाल आपने पूछा है, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। इसलिए जिन जेलों को चरागाह सपा सरकार ने बना रखा था, गुंडे माफिया पलते थे, आज एक एक जेल की सघन तलाशी चला करके अपराधियों को कड़ी से सजा दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। संभल में अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर किसानों ने मोर्चा खोला है। बता दें कि किसानों ने ओलावृष्टि और आवारा पशुओं से हुए फसलों के नुकसान के मुआवजे के साथ किसानों के ट्यूबवेल पर जबरन प्रीपेड मीटर लगाए जाने के संबंध में राज्यपाल के नाम संबोधित उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो वहीं अपनी समस्याओं को लेकर भाकियों ने हल्ला बोला है। वहीं पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक संगठन के पदाधिकारी दिल्ली रोड स्थित मंडी समिति में एकत्रित हुए, वहां से बाइक रैली निकालते हुए नारेबाजी कर उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। भारतीय किसान असली की तरफ से पैदल मार्च हुआ है मंडी समिति से एसडीएम कार्यालय तक। इसमें हमारी तीन चार मांगे हैं। इसमें सबसे पहली मांग है हमारी कि सरकार ने कहा था कि हम 31 मार्च 2023 तक आवारा पशुओं को संरक्षित कर देंगे और 1 अप्रैल में बयान भी छपा अखबार में लखनऊ से अमर उजाला में, और उसमें यह कहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब कोई छुट्टा पशु नहीं दिखेगा खेतों में या सड़कों पर, जबकि आज भी हजारों पशु घूम रहे हैं और उनसे एक्सीडेंट हुए हैं। और कल ही एक बस का
एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ है, 12 पशुओं को बचाने के चक्कर में, और वो बस पलट गई और उसमें 8-9 लोग 10 करीब घायल हुए हैं। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक की। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार, नगर विकास सचिव रंजन कुमार समेत कई अधिकारी शामिल हुए। तो वही इस बैठक में निकाय चुनाव की तैयारी के साथ कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है और बैठक में खासतौर पर चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने पर चर्चा की गई है। बल्लभगढ़ में हाल ही में शुरू हुए नवनिर्मित खंड स्तरीय सचिवालय का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और सभी तरीके की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं इस मौके पर उनके साथ एसडीएम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खंड स्तरीय का शुभारंभ किया था और मंत्री के मुताबिक निरीक्षण में कोई भी खामी अभी नहीं पाई गई है, बल्कि सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। 1 महीना के बाद मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था जी। और मैं तो एकदम आया, अभी एक बार सेक्रेटरीट में ऑफिस कहाँ शिफ्ट हुए और सबसे बढ़िया जगह अपने बल्लौड़ की बनी है और मैं तो अचानक इसलिए रखा कि एक बार सारी जानकारी जुटा लें कि क्या व्यवस्था है, बैठने की है, कहाँ दूसरी व्यवस्था है। इसलिए क्या है कि आज मैंने यहाँ का किया है और सभी मिनी सेक्रेटरी छत के नीचे सभी अधिकारी काम करेंगे और इसको सुनने बढ़िया रूप से इसको चलाने का हम काम। कोई समस्या निपटाई गई हो? नहीं, समस्या अभी के धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है, कहीं रूम की है, कभी अभी जो उनमें भी शिफ्टिंग होने, तो इसलिए क्या है कि समस्या नहीं है, सब ठीक है, सब अधिकारी अपने काम पर लगे हुए। औरैया में अटल मिशन मोदी अगेंस्ट संस्था के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिमों ने भाजपा का दामन थामा और 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को जिताने का संकल्प लिया है। वहीं इस दौरान अटल मिशन के जिलाध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानव सभ्यता का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, जिसे अताइयों ने बिगाड़ने और नष्ट करने का काम किया है। इसके बाद उन्होंने संस्था के जरिए भाजपा में शामिल होने वाले सभी मुसलमानों का स्वागत भी किया है। इसका उद्देश्य केवल सनातन धर्म को बढ़ाना, हिंदू राष्ट्र बनाना। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी शुक्ला के निर्देशानुसार अटल मिशन मोदी अगेन भारतीय जनता पार्टी से ये सनातन धर्म के लिए कार्य सभी लोग कर रहे हैं, इसमें सभी लोग हमारे शामिल हैं। आज देख रहे हैं कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए, कितने लोग शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ करीब सैकड़ों लोग शामिल हैं। इसके लिए जो है सब सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। शामिल होने वालों ने जरा नाम बताए। सादर होने वालों में नाम नियालुद्दीन, खालिद, दानिश, बोलो ना, दानिश, अयाजुद्दीन, हसमुद्दीन, नाजिश खान, रफीक अहमद, गुलू खान और तुम्हारे साथ अटल मिशन मोदी पीएम अगेन में शामिल हुए हैं और आगे भी हम लोग सहयोग करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास यही है। कानपुर में एक युवक का चलती कार के बोनट पर बैठते हुए और स्टंट करते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं युवक खुलेआम नियम की धज्जियां उड़ाते दिख रहा है। पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो कानपुर में यातायात के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां एक युवक का स्टंट करते हुए वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब ये सोशल मीडिया पर लगातार काफी लोगों द्वारा देखा भी जा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस इस तरीके के वीडियो और युवक पर कार्रवाई कब करती है। खबर पीलीभीत से है, जहां एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक फिल्मी अंदाज में तमंचा लहराते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। पूरा मामला थाना बिलसंडा क्षेत्र का है। तो वही पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है और मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है।
खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तीनों आरोपी गिरोह बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे, जिनको पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत लूट के मामलों में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध जो है दत्ताचार का इनाम भी किया गया था। उसी क्रम में थाना कोतवाली द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें 1,00,000 एवं अन्य 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सांडी कस्बे के नवाबगंज निवासी युवक की पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां तैनात स्टाफ नर्स ने महिला को भगा दिया। वहीं दर्द से करा रही महिला 2 मंजिल से नीचे उतरी तो गेट पर जा गिरी, जिसकी भनक डॉक्टर गौरव अग्रवाल को लगी तो उन्होंने आनंद फानन में महिला को लेबर रूम में भर्ती कराया, जहां कुछ देर बाद महिला की डिलीवरी भी हो गई। डॉक्टर की सूझबूझ से जच्चा बच्चा की जान फिलहाल सुरक्षित है। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल के इस बर्ताव से महिला के परिजनों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला है। ये प्रातःकाल 5:30 बजे के आसपास एक नगीना नाम की एक पेशेंट यहाँ अस्पताल आई थी, जिनको स्टाफ नर्स और गरिमा द्वारा देखा गया था, और किसी गलतफहमी की वजह से इनके परिजन इनको घर वापस ले आने लगे। जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा उनको रोका गया और वापस प्रसव के लिए यहाँ अस्पताल लाया गया और 7 बजे इनका प्रसव सफलतापूर्वक करवा दिया गया है। 6 साल का लड़का है और एक 6 साल की लुंडिया है, हाँ। सुने रहना, वो उठ गए तो उन्हें हमने चाय बना के पिलाने लगे, 10-5 मिनट लेट हो गए, हाँ। लेट हो गए कोई बात नहीं, उसकी बाद में हम आए यहाँ, हमारी औरत इन्हें निकाल दिया बाहर, यहाँ पड़े। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में स्वाट और पडरौना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मिसरौली बाजार नहर मोड़ के पास से एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 पैकेट पन्नी में लगभग 5 किलोग्राम अवैध चरस बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। कुशीनगर के अंतर्गत थाना कोतवाली और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय चरस गैंग का पर्दाफाश किया है, और इसमें से एक वांछित अभियुक्त जो पश्चिमी चंपारण का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम लाल रतन यादव है। इसके पास से करीब 5 किलोग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 26 लाख रुपये से अधिक है। इसके आगे ये किसको सप्लाई देने वाला था और कहाँ से ये लेके आ रहा था, इसकी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। इस अच्छी कार्रवाई के लिए भी पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा धवल जायसवाल जनता के खोए हुए मोबाइल के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर को गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में सर्विलांस सेल की टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए 83 अदद विभिन्न कंपनियों के मल्टीमीडिया मोबाइल सेटों को बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। बता दें कि बरामद किए गए मोबाइल सेटों की कीमत लगभग 17 लाख रुपए आकी गई है। वहीं बरामद मोबाइल सेटों को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय के सभागार में उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए जनता के खोए हुए तथा चोरी किए गए मोबाइलों को बरामद किया गया है। इसमें कुल 83 मोबाइल बरामद करके जनता को वापस किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी सर्विलांस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने चेकिंग के दौरान एक लड़के को 4 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वही पूछताछ की जानकारी में उसने बताया कि उसका एक दोस्त उसे बैग देकर फरार हो गया था, जिसके बाद लड़के को सीआईएसएफ के जवानों ने साहिबाबाद थाने की पुलिस को सौंप कर मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। मोहन नगर मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम गौतम कुमार जो कि प्रतापपुर मेरठ का निवासी बताया जा रहा है के पास से 4 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सीआईएसएफ द्वारा उस व्यक्ति को साहिबाबाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है कि ये कारतूस वगैरह उसके पास किस उद्देश्य से थे।
वहीं गाजियाबाद की सिहानी गेट पुलिस ने 4 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने 12 मोबाइल फोन बदलने और लॉक तोड़ने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं मामले में एसीपी रवि कुमार ने बताया कि गिरफ्तार 2 अभियुक्तों पर गाजियाबाद में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, निशांत, गौरव, समीर और किशन। इनके ये बेसिकली मोबाइल लूट की घटना करते थे। इनके पास से 12 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा और एक चाकू और अन्य ये जो उपकरण हैं जिनके द्वारा ये मोबाइल का लॉक वगैरह तोड़ते थे, तो कंप्यूटर उपकरण, सीपीयू और इस बरामद हुए। YouTube से सीख के कितने पढ़े लिखे हो? 10th क्लास। हो कितने दिनों से ये काम कर रहे थे? दो महीने से। अब तक कितने मोबाइलों के लॉक तोड़े हैं? 10-20 के। मोबाइल कहाँ से आते थे आपके पास? कौन लाता था? कोई कॉलोनी से, कोई इस तरह का जो स्नैचिंग करते थे। फिरोजाबाद में एसओजी और थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 किलोग्राम चरस भी बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही अभियुक्तों के पास से 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और 5,000 रुपए बरामद किए हैं। पूरा मामला थाना सिरसागंज का है, जिसके 4 मेंबर्स को हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा है, जिसमें हमारे जनपद फिरोजाबाद की एसओजी टीम और सीओ सिरसागंज की टीम, एसएचओ सिरसागंज, इन सब लोगों ने मिलकर के इस गैंग को पकड़ा है। ये गैंग इंटरनेशनल गैंग है, जिसमें एक सदस्य नेपाल का रहने वाला है और ये बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है उसके रास्ते ये लोग वहाँ से चरस लेकर और पूरे इस एनसीआर के जो गैंग्स हैं, मेन गैंग्स, वहाँ पर सबको देते थे और सप्लाई करते थे। फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि फरीदाबाद के अजरोंदा गांव में सफाई के दौरान गटर में 5 महीने का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने अब मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गांव की समस्याओं के लिए हम कोशिश करते थे, जूझते रहते हैं और आज यहाँ पे एक गाँव में ये सीवर लाइन ब्लॉक थी, जिसकी शिकायत नगर निगम में की गई। नगर निगम के जो कर्मचारी इस सीवर लाइन को खोलने आए, उन्होंने गटर साफ करने स्टार्ट किए। जब ये जो मेरे बराबर वाला गटर है इसको साफ किया, तो इस मलबे के साथ एक 5-6 महीने के भ्रूण की बॉडी निकली। उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों को, अधिकारियों को सूचित किया और नगर निगम अधिकारियों को सूचित किए, वो सूचना हम तक पहुँची। मैं यहाँ पर आया, मैंने उस बॉडी को देखा और पुलिस अधिकारियों को सूचित किया, नगर निगम अधिकारियों को सूचित किया। मौके पे यहाँ पुलिस पहुँची, उन्होंने डेड बॉडी को देखा, उसका पंचनामा बनाया है, हमारे बयान दर्ज किए हैं और उस बॉडी को उन्होंने बीके हॉस्पिटल भेजा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। मुझे सूचना मिली थी, कर्मचारी जो है सफाई कर रहे थे, गटर की सफाई कर रहे थे और उसमें कोई 4-5 महीने का भ्रूण मिला है। इस सूचना पर मैं आया हूँ और मैंने स्टेटमेंट लिख ली है और जिस पर मुकदमा दर्ज करके जिस औरत ने वैसा काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई है। लगभग 5-6 महीने का भ्रूण बताया जा रहा है, ये कुछ नहीं बताया जा सकता। मेरे को वीरेंद्र गौड़ हैं, यादरुंदा गांव के रहने वाले, उन्होंने मुझे। बुलंदशहर में किसान बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर भाकियों कार्यकर्ताओं ने खुर्जो अभियंता को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की प्रमुख मांग थी कि नलकूपों पर किसानों की बिना सहमति के मीटर ना लगाए जाएं और जर्जर तारों को ठीक किया जाए और घरों के खराब मीटरों को ठीक किया जाए। साथ ही मांग की है कि नलकूप की बिजली 10 घंटे के रोस्टर को पूरा भी करे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी।